हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीके सिंह रघुवंशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग बिजली लाइन पर एक नए अपडेट के साथ, जो कि हमारा श्रीनगर से रिलेटेड है। इसमें आप देख रहे होंगे जो श्रीनगर का रेल ब्रिज है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो सामने देख रहे हैं, ये हमारा श्रीनगर का जो रोड ब्रिज है वो फुल्ली कम्प्लीट कर दिया गया है। अभी हम यहाँ पर आपको रेल ब्रिज पर हो रहे वर्क की अपडेट देंगे। तो ये सामने देख सकते हैं हमारा ये रेल ब्रिज, जिसके जो सिविल स्ट्रक्चर के वर्क कंप्लीट हो गए हैं, उन पर पैरेलली हमारा गडर इरेक्शन का भी वर्क स्टार्ट हो चुका है। और जिधर से डेक स्लैब गडर का इरेक्शन का कंप्लीट हो चुका है, उधर से हमारा डेक स्लैब का वर्क स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको थोड़ी ये दे सकते हैं, सामने जो पिलर हैं हमारे, वो गंगा जी के प्रवाह की वजह से जो हमारा पानी की स्पीड है उसकी वजह से जो बार बार इसके जो अबार्टमेंट बनाए गए थे प्रोडक्शन के लिए, वो सब कटाव होने के कारण इसका काम अभी नहीं पकड़ा जा सका है। तो जैसे ही थोड़ा सा पानी कम होगा, डाइवर्सन करके जल को, उसके बाद इसका वर्क किया जाएगा। बाकी इधर का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, ये आप देख सकते हैं सामने पहाड़ और नदियाँ। ये कितना सुंदर पानी है यहाँ का, इतना साफ पानी है कि आप इसे पी भी सकते हैं, इतनी स्वच्छता है यहाँ के जल में। उत्तराखंड की यही खासियत है। ये देख सकते हैं सामने ये जो पिलर है हमारा, यही एक अपार्टमेंट बचा हुआ था बीच का। इसकी लैंडिंग जो हमारे है इरेक्शन की, इसकी हो चुकी है, इसका इरेक्शन की लैंडिंग का प्रोग्राम चल रहा है। स्ट्रक्चर को वहाँ पे इरेक्ट करके सामने लाके यहाँ पे इरेक्शन किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं क्रेन, जिसकी वजह से मदद से हमारा जो गडर का इरेक्शन है कंप्लीट किया जाता है। चैन माउंट क्रेन है ये हमारा। अभी देखिए नदी के जो पानी का, जहाँ पे बहाव कम हुआ है वहाँ पे जीएसबी मटेरियल जो नदी का डंप है उसको भर के नदियों को डाइवर्ट किया गया है, जिससे वर्क एरिया में हमारा पानी ना आ सके। जैसे ही वर्क कंप्लीट कर दिया जाएगा, नदी का जैसा ही शेप था उसी शेप में उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वापस। बहुत ही स्पीड है यहाँ पे पानी भी, आप देख सकते होंगे, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो वीडियो को एडिट करते समय हमने पानी के आवाज़ को कम किया है, साइड के जो नॉइज़ हैं, इसलिए आपको पानी की आवाज़ कम आ रही होगी, नहीं तो पानी की आवाज़ बहुत ही तेज़ है। बाकी बढ़ते हैं हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ। जो हमारा अबटमेंट एक बचा हुआ है पिलर, वो बीच में उसके देखिए वहाँ पर ले चलते हैं आपको। सामने आप देख रहे होंगे हाइड्रा और क्रेन लगे हुए हैं, इनका वर्क चल रहा है। ये देख सकते हैं इसका जो वेल फाउंडेशन था, उसकी फाउंडिंग लेवल तक वेल को स्टे कर दिया गया है और जो उसके वेल कैप की तैयारी चल रही है, यहाँ पे देख रहे हैं वर्कर सामने काम कर रहे हैं। ये वेल कैप का एनफोर्समेंट है हमारा, आपको दिखाते हैं पास से। ये देख सकते हैं स्टेयर बनाई गई है वर्कर को वहाँ पर मूवमेंट के लिए। और देखिए ये जो हमारा वेल है पूरा नीचे तक टच हो चुका है, उसके जो वेल का वर्टिकल रेनफोर्समेंट निकला रहता है उसके सारे हम ये वेल कैप की रेनफोर्समेंट बांधते हैं पूरे डाया को मिला के, उसके साथ राउंड शेप में सटरिंग लगेगी और उसके बाद कास्ट किया जाएगा। बीच में हमारे जो पियर शाफ्ट का वर्टिकल रेनफोर्समेंट है वो भी खड़ा होना बाकी है। उसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर जैसा ये सामने रेडी है वैसे ही स्ट्रक्चर रेडी होकर मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पानी का बहाव यहाँ भी बहुत तेज़ है, वो आप सामने देख रहे हैं जो हमारा है रोड ब्रिज। रोड ब्रिज का नज़ारा देखिए यहाँ से कितना ही सुंदर लगता है। इसकी जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छी की गई है। ये यहाँ से स्टार्ट है, देखिए ये ब्रिज जा रहा है गटर के थ्रू यहाँ तक आके मिल रहा है। ये सामने देख सकते हैं पियर, जो वर्क हुआ है यहाँ पे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी की गई है। राही जो कंपनी है हमारी, राही इंफ्राटेक लिमिटेड, वो कर रही है इस प्रोजेक्ट को। यहाँ पे देख सकते हैं बोल्डर की देखिए बैरिकेटिंग की गई है, जिसे पानी का जो फोर्स है वो इधर वर्किंग एरिया में ना आ पाए। सामने रोड ब्रिज देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं सामने ये जो स्टेजिंग मटेरियल सीसी क्रीप है 600x600 का, ये लगाया गया है इसके वेल कैप करने के लिए। जो हमारा पियर कैप है उसके लिए, इसकी सपोर्टिंग के अरेंजमेंट के लिए लगाया गया है। ये देख सकते हैं बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये सामने भी आप देख रहे हैं उसी स्ट्रक्चर को उसी रूल से फॉलो करके उसको एक वेल कैप कम्प्लीट किया गया है, पैर कैप और गटर का जो इरेक्शन है वो फाइनली कम्प्लीट हो चुका है। बीच में जो पानी का बहाव है वो ना होने होता तो हम आपको आगे ले चलते इसी वे से। तो अभी हम चलेंगे रिटर्न, जो हमारा अपार्टमेंट का वर्क चल रहा है जहाँ पे लास्ट में, वहाँ ले चलेंगे आपको। देख सकते हैं यहाँ पे करंट कितना है पानी का। तो चलिए ले चलते हैं आपको जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट हो रहा है वहाँ पे ले चलते हैं, जहाँ पे हमारी एंडिंग है ब्रिज की। ये देख सकते हैं ये विलेज,
विलेज एरिया जहाँ पे हमारी ये लैंड हो रही है अपार्टमेंट, और ये सामने देख सकते हैं रिटेनिंग वाल है, रिटेन किया जा रहा है अर्थ को, उसके लिए यहाँ पे रिटेनिंग वाल की रिन्फोर्समेंट बाइंडिंग की गई है। ये रहा हमारा सामने अपार्टमेंट, यहीं पे लैंड कर रहा है ब्रिज हमारा ये। और कुछ यहाँ पे यूनियन की प्रॉब्लम की वजह से ब्रिज पे आवाजावन बंद है, जो कि 2-3 दिन में शॉर्ट आउट हो जाएगा। तब हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे जिसमें हमारा रोड ब्रिज का जो पूरा सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपको टोटली कंप्लीट पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बॉटम टॉप वीडियो दिखाएंगे। अभी उस यूनियन की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके वजह से ब्रिज पे हम नहीं जा सकते हैं, तो यहीं पे आपको शूट करके दिखाना पड़ेगा हमें। और यहाँ से वो सामने देख सकते हैं हमारा रोड ब्रिज दिख रहा है, रेल ब्रिज। और ये देख सकते हैं यही हमारा जो रिटेनिंग वाला है जहाँ पे अर्थ रिटेन कर रहा है, इसका अपार्टमेंट कैप है। ये यहाँ पे फाउंडेशन बनाया जा रहा है जो रोड है यहाँ पे, और यहीं से हमारी अप स्टार्टिंग होगी, यहीं पे हमारा ब्रिज स्टार्ट होगा अप हुआ, इसलिए यहाँ पे फाउंडेशन किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए पीके सिंह रघुवंशी के यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।